वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग आए हैं अमीनाबाद मार्केट। तो आज मैं आपको छोटा सा टूर दूंगा अमीनाबाद मार्केट का। यहाँ अपने मम्मी और सिस्टर के साथ आया हूँ शॉपिंग के लिए। तो ये है मार्केट है। ये भी इधर जेंट्स का ज़्यादा मिलता है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल है और जीन्स टी शर्ट, ये सब का इस लाइन में बहुत सारा ही शॉप है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे लोअर है, शर्ट, बैग और बहुत सारी शॉप है। इस मार्केट को जहगीराबाद मार्केट कहते हैं, अमीनाबाद की जहगीराबाद मार्केट या लाइन कहते हैं। मौसम भी बहुत सुहाना, एकदम अच्छा सा हो गया, बारिश का मौसम है। ऐसे मौसम में अच्छा भी लगता है, अगर धूप होती तो उतना मज़ा नहीं आता मार्केट टारगेट करने में, बट मौसम तो बहुत ही अच्छे देख सकते हैं, एकदम बारिश वाला। थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। सुबह से बहुत अच्छा हो गया मौसम अभी तो। और ये है अमीनाबाद की स्पोर्ट्स मार्केट, मतलब आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं। देखिए ऊपर से ऊपर नीचे हर चीज़ यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपको मिल जाएगा अगर चाहिए हो तो। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब मौसम अच्छा तो ठीक था, लेकिन अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब बारिश और तेज होती जा रही है, देख रहे हैं कितनी तेज बारिश होती जा रही है। अमीनाबाद मार्केट में यहाँ पर सैंडविच बहुत बढ़िया मिलता है, मैंने कितनी बार खाया है। तो
फाइनली हमारी शॉपिंग डन हो गई है, निकल आए हैं बाहर मार्केट से। बहुत ही ज़्यादा क्राउड, मतलब आप देख सकते हैं कोई ना, हम खुद नहीं मास्क लगाए लेकिन देख सकते हैं कोई वो नहीं है मास्क वास्क का, पूरा सब ऐसे ही भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ बस, क्योंकि आज संडे भी है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। आपको दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। इधर ये कपड़े की मार्केट है, इसके अपोजिट साइड पर बुक्स की मार्केट है, जो मैं एक ब्लॉग में डाल चुका हूँ, अगर देखना है किसी को तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ सेल्समैन मार्केटिंग सीखिए आप यहाँ पे, जो देखिए मतलब देखते हैं ना, देख सकते हैं ना कि कितना अच्छा, मतलब पूरी ना दुकान की जरूरत ना किसी की, पूरा बॉडी पे ही। अभी जो सामने गली दिख रही है, इस गली में पूरी बुक्स की शॉप, केवल बुक्स की मार्केट है, मतलब कोई भी आपको यूनिवर्सिटी की बुक चाहिए, कंपटीशन की बुक चाहिए, एनी टाइप स्टेशनरी चाहिए, तो इस मार्केट में, इस लाइन में आराम से आपको मिल जाएगा। ये है पूरी बुक की मार्केट, देख सकते हैं ना कितना, मतलब बुक्स ही बुक्स बस, ऑनली पूरा मनी, पूरे लखनऊ का बुक्स का हब है एक हिसाब से बोल सकते हैं। तो कभी भी आओ, आपको ज़रूरत हो तो आ सकते हो, आप किधर से भी आओ अमीनाबाद में, अगर इधर से आते हैं जो है कैसरबाग की तरफ से आते हैं तो स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड वहाँ से बगल में ही है, और जिधर से भी आते हैं तो ये बीच में पड़ता है, और इधर भी देखिए यहाँ पर कॉफ़ी इसकी पूरी मार्केट है, अच्छी खासी मार्केट है, और भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है। ये देखिए टेडी बियर पिलो, यहाँ पर बिल्डिंगें हैं कुछ जो बहुत ही पुरानी पुरानी, मतलब राजा महाराजाओं और नवाबों के जमाने की है, जो आप देख सकते हैं, इसको ओल्ड लखनऊ कहते हैं। ये एरिया पूरा ओल्ड लखनऊ में आता है, यहाँ पर आपको बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें, इमारतें, स्मारक और बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम लोग का खाना डन हो गया, अब उसके बाद चले वापस घर की ओर। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि बैटरी भी नहीं है मोबाइल में। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा जरूर, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और क्या गलती है और क्या और नया करना चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अगर लेना है तो यहाँ पर देखिए ऐसे चश्मा और बहुत सी चीज़ें लेके, एकदम लेके पूरा शरीर पे चल। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सब कोई, और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, बाय बाय।